तो अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात तीन तलाक को लेकर। जी हां, तीन तलाक की पाबंदी को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार सदन में तीन तलाक बिल लेकर आई है। इसके पहले भी बिल लेकर आ चुकी है। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बिल को पेश किया। मुस्लिम समाज में एक बार में तीन तलाक यानी कि तलाक की बिद्दत की प्रथा को रोकने के मकसद से मोदी सरकार ने सदन में नया तीन तलाक बिल पेश किया। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच रविशंकर प्रसाद ने तीन तलाक बिल को सदन के पटल पर रखा तो कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने बिल का जमकर विरोध किया। क्यों साबरीमाला के खिलाफ आप हैं? क्यों जजमेंट के खिलाफ आप हैं? बताइए आप क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसद शशि थरूर ने बिल के पेश होने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जो बिल लाया जा रहा है वो संविधान के खिलाफ है। थरूर ने कहा कि मैं तीन तलाक का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन इस बिल के विरोध में हूं। I regret to state that I rise to oppose the introduction of the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill 2019. I am not defending triple talaq, but I am opposing the text and draft and thrust of this bill. वहीं AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीन तलाक बिल का विरोध किया। ओवैसी ने इस बिल को संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि इस बिल से सिर्फ मुस्लिम पुरुषों को सजा मिलेगी। वहीं सरकार से सवाल करते हुए ओवैसी बोले कि सरकार को सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी क्यों है? केरल की हिंदू महिलाओं की चिंता सरकार क्यों नहीं कर रही? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक ठहराया है। इस बिल के बाद जो पति जेल जाएंगे उनकी पत्नियों का खर्चा क्या सरकार देने के लिए तैयार है? और हमने कानून बनाया है, क्या है डोमेस्टिक वायलेंस 25 CRPC मुस्लिम वुमेन मैरिज एक्ट, इसको इस्तेमाल करिए। आप नहीं करना चाह रहे हैं ये, अगर ये बिल अगर कानून बनेगा तो मुस्लिम महिलाओं को और नाइंसाफी मिलेगी, इसलिए कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो वो जेल में जाकर कैसे अलाउंस देगा। दूसरी बात, इस बिल में सरकार कहती है अगर कोई मुस्लिम मर्द ये गलती करता है, गुनाह करता है, तो भी शादी रहेगी। कोर्ट अगर सजा देगा तो 3 साल जेल में रहेगा और तब भी शादी रहेगी। ये कौन सा कानून मिस्टर मोदी बनाने जा रहे हैं? अब अगर इतना शादी ब्याह तलाक के इश्यूज को हम कंट्रोवर्शियल बनाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग शादी के सिस्टम से ही ऊब जाएं। और विपक्ष के हंगामे पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि जनता ने हमें कानून बनाने के लिए चुना है और कानून पर बहस अदालत में होती है। ये सवाल सियासत या इबादत का नहीं बल्कि नारी न्याय का सवाल है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में कहा गया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, इसलिए ये संविधान के खिलाफ कतई नहीं बल्कि उनके अधिकारों से जुड़ा है। लोकसभा में ध्वनिमत से तीन तलाक बिल पेश होने का विपक्षी दलों ने विरोध किया, जिसके बाद इस पर डिवीजन कराया गया। वोटिंग के नतीजों में बिल को पेश करने के पक्ष में 186 वोट पड़े, जबकि 74 सदस्यों ने बिल को पेश न करने के पक्ष में वोटिंग की। वहीं इस पर क्या कहना था महिला हितों के लिए कार्य करने वाली महिलाओं का, ये भी सुनिए। वो बाप क्या करे जिसके कंधे पर एक तलाकशुदा बेटी का बोझ, उसके बच्चों का बोझ। वो भाई क्या करे जिस तलाकशुदा बहन और उसके बच्चों के परिवार को पाले। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हो रहा है, इसीलिए कानून की सख्त ज़रूरत है ताकि महिला के हाथ में एक हथियार आए जिसके तहत वो अपने पति के साथ बातचीत कर सके, उसके साथ एक मध्यस्थी की प्रक्रिया चला सके और उसे राह पे ला सके। आपको बता दें कि 17वीं लोकसभा के गठन के बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बिल। पिछले कार्यकाल में भी मोदी सरकार ने 16वीं लोकसभा में तीन तलाक बिल पेश किया था जहां ये पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। कार्यकाल खत्म होने के साथ ही पुराना बिल रद्द हो गया और बदलाव के साथ अब तीन तलाक बिल को दोबारा पेश किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
बात हिमाचल प्रदेश की, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक प्राइवेट बस अचानक से 300 मीटर गहरे नाले में जा गिरी और इस हादसे में 44 लोगों की मौत हो गई जबकि 37 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री खुद अस्पताल पहुंचे, लोगों से मुलाकात की, घायलों से भी मिले और वहां जाकर जायजा लिया कि आखिर क्या स्थिति बनी हुई है। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जो भी मदद हो पाएगा वो लोगों की मदद करेंगे। पिछले कल एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है। एक बस निजी बस थी, वो बंजार से गाड़ाचंडी से होकर के खावड़ी तक जानी थी। लगभग बंजार से 2 किलोमीटर आगे ही ये घटना घटी थी। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि इस दुर्घटना में 44 लोगों की 44 जो है वो लोगों की मैं परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओवरलोडिंग का इशू उसमें एक क्राइम वेबसाइट दिखता है और इसमें दो राय नहीं। और ये भी जानकारी मिली कि सारी सवारियां जो है वो बस के अंदर थी, ऐसी भी जानकारी मिली है। लेकिन मैंने कहा कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ हम कहने की परिस्थिति। जब जैसे बस 4 बजे यहाँ पहुँची, तकरीबन 4:05 या 4:10 पर पहुँची यहाँ पे बस चढ़ाई में ऊपर मोड़ पर, जब थोड़ी देर रुकी और उधर फिर नीचे बैक आ गई और बैक से सीधा ही एक पलटा खा गया नीचे, फिर यहाँ पहुँच गई। यहाँ सारी जो मर गए हैं बेचारे और वो सारे इकट्ठे वहाँ पर पहुँच गए और एक दो महिलाएं जो है वो जो सबसे ऊपर गिरी थी वो ऊपर निकल गई और चीखें लगाई कि भाई बचाओ, कोई ऊपर आओ, हमारे को मारो, हमारे को बचाओ। तो इस तरह हमारे जो यहाँ पीछे भुमार गांव है वहाँ से हमारे लोग पहले यहाँ पहुँचे और उन्होंने फिर उनको जो सीरियस थे उनको पहले निकाला और लाशें बाद में निकाली गई और एक एक करके उसके बाद और भी लोग आए और उसके बाद धीरे धीरे जो है सारी लाशें निकाल ली गई। स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की, जैसे यहाँ पे तकरीबन 4:30 बजे यहाँ हमारे गांव के लोग पहुँचे और उन्होंने बहुत अपना एक एक करके सारा निकाला गया। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के विमान AN-32 में जो शहीद हो गए थे जवान, उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस दुर्घटना में लखनऊ के लाल पुतिन सहित 13 जवान शहीद हुए थे। और वहीं देखा जाए तो लखनऊ के भौली गांव में शहीद पुताली को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद पुताली की अंतिम विदाई में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री आशुतोष टंडन, विधायक अभिनाश त्रिवेदी भी शामिल हुए। 3 जून को एयरफोर्स के ट्रांसफर एयरक्राफ्ट AN-32 ने असम के जोरहाट से अरुणाचल प्रदेश के मेचुका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के लगभग 35 मिनट बाद ही एयरक्राफ्ट का रडार से संपर्क टूट गया था। तो बात भारतीय नौसेना की, जो लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटी हुई है। जी हां, भारतीय नौसेना 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की अभी लगातार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रस्ताव 75 के तहत 3 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा और इनकी खास बात ये रहेगी कि ये बिना रडार को लिए ही अपनी सीमा को बढ़ सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। चीन पाक को समुद्र में पछाड़ेगा भारत। छह वेला पनडुब्बियां बढ़ाएंगी नौसेना की मारक क्षमता। रडार की पकड़ में नहीं आएंगी ये पनडुब्बियां।
हिंद महासागर में चीन की ओर से लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय नौसेना जल्द अपनी ताकत बढ़ाने जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों को बनाने के लिए भारतीय रणनीतिक साझेदारों को प्रस्ताव जारी किया है। ये पनडुब्बियां रडार की पकड़ में नहीं आने वाली प्रौद्योगिकी से लैस होंगी। इस कॉन्ट्रैक्ट की लागत लगभग 45,000 करोड़ रुपए है, जिसमें 6 पनडुब्बियों का निर्माण भारत में ही टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के तहत किया जाएगा। हालांकि नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 को शुरू हुए 3 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। 2017 में फ्रांस की कंपनी नावन ग्रुप, रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट्स, रूबिन डिजाइन ब्यूरो, जर्मनी की हेसेन ग्रुप मरीन सिस्टम्स और स्वीडन की साब ग्रुप ने इस परियोजना में भाग लेने के लिए रुचि जाहिर की थी। अब हम आपको बताएंगे कि वेला पनडुब्बी किस तरह देश की नौसेना के लिए फायदेमंद साबित होगी। वेला पनडुब्बी का आधुनिक फीचर दुश्मन को ढूंढकर उस पर सटीक निशाना लगा सकती है। ये INS वेला स्टेल्थ और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन समेत कई तरह की तकनीकों से लैस है। INS वेला टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल से हमला करने में सक्षम है। युद्ध में वेला पनडुब्बी हर तरह की अड़चनों से सुरक्षित है। ये बड़ी आसानी से दुश्मनों को चकमा देकर बाहर निकल सकती है। वेला की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आएगी। इसके अलावा ये जमीन पर भी आसानी से हमला कर सकती है। इस पनडुब्बी का इस्तेमाल हर तरह के वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इंटेलिजेंस के काम में भी किया जा सकता है। क्या है वेला की ताकत? ये कई अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है। खुफिया जानकारी हासिल करने, माइंस बिछाने और एरिया सर्विलांस जैसी खासियतें भी इसमें शामिल है। भारतीय नौसेना को सभी 6 पनडुब्बियां मिलते ही उसकी ताकत समुद्र में कई गुना बढ़ेगी। देश की नौसेना के पास 3 पनडुब्बियां पहले ही हैं। पहली पनडुब्बी INS कलवरी 2015 में लॉन्च की गई थी, दूसरी INS खंडेरी 2017 में लॉन्च की जा चुकी है, तीसरी INS करंज 2018 में पानी में उतारी गई। कुछ ही सालों में 6 वेला पनडुब्बी भी नौसेना के बड़े बेड़े में शामिल हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर बात करेंगे कि कैसे तमिलनाडु में गहराया जल संकट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे तमिलनाडु के। तमिलनाडु में इन दिनों पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। दरअसल स्थिति ये है कि घरों में लोगों के लिए पानी नहीं है, घर के कार्यों के लिए दिक्कत हो रही है, जिससे आम जनता को काफी असर हो रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। चेन्नई में पानी की भीषण कमी, पानी के लिए मचा है हाहाकार। विपक्षी पार्टी कर रही है प्रदर्शन, कंपनियां करा रही है वर्क फ्रॉम होम। हाथों में खाली बर्तन लिए इन लोगों को देखिए, ये लोग भरी दोपहर में पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विपक्षी पार्टी DMK के कार्यकर्ता हैं। प्रदेश में पानी की कमी के कारण ये प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी DMK ने पूरे राज्य में खाली बर्तन लेकर प्रदर्शन किया। DMK का आरोप है कि राज्य में आज जो पानी की किल्लत मची है, उसकी वजह राज्य की ई पलानी स्वामी सरकार है। चेन्नई में पानी के लिए हाहाकार मचा है। जल संकट से जूझ रहे चेन्नई की समस्या को खत्म करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने नई योजना बनाई है। मुख्यमंत्री पलानी स्वामी ने सरकार की बैठक के बाद बताया कि चेन्नई में 52.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन जिन 4 जलाशयों से पानी आता है वो सूख चुके हैं। सरकार ने जोलार पेटई से रेल मार्ग से प्रतिदिन 1 करोड़ लीटर पानी लाने की योजना बनाई है। जोलार पेटई चेन्नई से 220 किलोमीटर दूर है। 200 दिन के बाद वहां हल्की बारिश हुई,
लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यह शहर 30 साल में पहली बार पानी की ऐसी भारी कमी से जूझ रहा है। यह जीरो सिटी बनने की तरफ बढ़ रहा है। स्थिति इतनी भयावह है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बच्चों के स्कूल बैग का वजन बढ़ गया है। वो घर से पानी की कई बोतलें लेकर स्कूल जाते हैं। पानी अब सहज रूप से उपलब्ध नहीं है। तमिलनाडु की शान रहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरिडोर पर भी दबाव बढ़ गया है। कंपनियां कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने के लिए कह रही है। पानी का सर्वाधिक संकट राजधानी चेन्नई में ही दिख रहा है। यहां कई हॉस्टलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। अब इस मुद्दे ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। यही कारण है कि पार्टी अब सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। राज्य में कई इलाके और जलाशय ऐसे हैं जो पूरी तरह से सूख चुके हैं। वहीं सरकार का दावा है कि ये दिक्कतें राज्य के कुछ हिस्सों में ही हैं। जहां भी दिक्कत है वहां पर टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। पानी की कमी के कारण रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में पानी की राशनिंग हो रही है। मॉल में भी लोगों को पानी के इस्तेमाल में बहुत किफायत बरतने को कह रहे हैं। घरों में पाइप के रास्ते होने वाली पानी की सप्लाई सामान्य स्तर के मुकाबले 10% से भी कम रह गई है। किसी को ये पता नहीं कि पानी कहां से आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। भारत के कई बड़े शहरों में कैब की सर्विस इतनी अच्छी और फास्ट हो गई है कि लोग कैब से जाना ही पसंद करते हैं। दरअसल लोगों के लिए इतना आसानी हो जाती है। और आप जरा सोचिए, अगर कैब ड्राइवर आपसे संस्कृत में बात करे तो आपको कैसा लगेगा? यकीन मानिए ऐसा हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। अगर प्रोफेशनल करियर में कुछ बेहतर करना है तो इंग्लिश बोलना बेहद जरूरी। ज्यादातर लोग हिंदी के अलावा अंग्रेजी सीखने और बोलने पर ही ज्यादा जोर देते हैं। हरिओम, नमस्ते, नमस्कार, हरिओम, नमस्ते महोदय। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस वीडियो की जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। भारत के कई बड़े शहरों में कैब की सर्विस इतनी फास्ट और अच्छी हो गई है कि लोग किसी भी स्थान पर कैब से ही जाना पसंद करते हैं। अक्सर कैब वाले टूटी फूटी ही सही पर अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया ही यही जाता है कि प्रोफेशनल करियर में कुछ करना है तो अंग्रेजी बोलना बेहद ही जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी कैब ड्राइवर को संस्कृत भाषा में बात करते देखा है? हमारा दावा है कि नहीं देखा होगा, लेकिन बेंगलुरु में एक कैब ड्राइवर ऐसा है जो सिर्फ संस्कृत में ही बात करता है। संस्कृत में किम किम अस्ति इति भवान् ज्ञातवान्? संस्कृत मध्ये सर्वम् अस्ति, उपनिषत्, भगवद्गीता, अनेक धर्मग्रन्थाः संस्कृतभाषायाः। इस कैब ड्राइवर का यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वही वीडियो में दिख रहा है कि ड्राइवर के साथ ही वीडियो बनाने वाला शख्स भी उससे संस्कृत में बात कर रहा है, लेकिन वो ड्राइवर की तरह फर्राटेदार संस्कृत नहीं बोल पा रहा है। जीवनार्थम एतत् कार्यं करोमि, ततः अन्यत्र तबला वादनम, सुगम संगीतम, कीबोर्ड वादनम किंचित किंचित करोमि महोदय। उसके इस वीडियो ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है और लोग उससे सीख लेने की बात कर रहे हैं। वीडियो में ड्राइवर संस्कृत में अपना नाम मल्लपम बता रहा है और जब उससे पूछा जा रहा है उसने संस्कृत बोलना कहां से सीखा, तो उसने बताया कि एक शिविर लगा था जिसमें संस्कृत की पढ़ाई होती थी, उसने वहीं से संस्कृत बोलना सीख लिया और अब वह इसी भाषा में अपने सारे यात्रियों से बातचीत करता है। आप भी सुनिए इस वीडियो को। एक शिबिर अभवत् तत्रैव अहम् अध्ययनं किञ्चित् कृतवान्। ओ, संस्कृत सम्भाषणं तत्र पठितवान्। ओ, सम्यक्। भवान् कति वर्षेभ्यः संस्कृतं वदति इदानीं? अहं चिन्तयामि दशवर्ष पूर्वमेव अहं संस्कृतं किञ्चित् पठामः। संस्कृतम सरलम अस्ति वा? बहु सरलम अस्ति महोदय। बोलबाला अंग्रेजी का है, अंग्रेजी आती है तो नौकरी अच्छी होगी, ऐसी सोच हो गई है अब लोगों की। हालांकि हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों ने ऐसी सोच को तोड़ा भी है। धर्म ग्रंथाः संस्कृत भाषायाः सन्ति। विज्ञानमपि अस्ति वा? हां, विज्ञानं, सर्वं विज्ञानं एव अस्ति, बहु अस्ति। भवतः गृहे कति जनाः सन्ति? मम अग्रे
त्रीणि जनानि सन्ति महोदय भवान् कदा कार्यानं चलयति कदा संस्कृतं वदति समयः अस्ति वा भवतः समयः नास्ति वहीं ज्यादातर स्कूल भी आज इंग्लिश मीडियम हो चुके हैं लेकिन एक वक्त था जब ज्यादातर स्कूल हिंदी मीडियम में थे तब लोग संस्कृत को तवज्जो भी देते थे लेकिन इस वायरल वीडियो में ड्राइवर का फर्राटेदार संस्कृत में बात करना बेहद कमाल का है। ब्यूरो रिपोर्ट जनतंत्र टीवी। अन्य अन्य विषय धन्यवाद जी हाँ तो इस ड्राइवर की फ्राटेदार संस्कृत देखकर आप भी दंग रह गए होंगे कि कितने फ्राटेदार से ये संस्कृत बोल रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।